सच्ची आवाज नहीं पहुंचती है लोगों तक, या जो आप सच्ची बात करना चाहते हैं वो इधर उधर राइट लेफ्ट ये सब करके कोई दूसरा ही वर्जन आ जाता है लोगों के पास. यू कांट डू दैट. अभी ये ठहरे आर्टिस्ट, उनको बस अपने कला दिखाना है जिसके लिए उनको अपना दाम चाहिए. जो काम वो कर रहे बस उनको वो चाहिए. वो इतना डाइल्यूट हो जाता है जब तक शहर में आके बिकता है कि उनको वो दाम मिलता ही नहीं है. मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी. चंदेरी में भी जब हम लोग वहाँ पे थे तो जो जिन व्यूअर्स से मैं बात कर रही थी तो मैं सबका उनका लोगों ने सारे यूनिट पे सबको दे रही थी कि इनसे आप खरीद लेना, इनसे खरीद लेना, डायरेक्ट ही खरीद लेना. तो कुछ लोगों ने क्या बोला, अरे मैं अरे बहुत उसने महंगा दिया, मैं उसको कम नहीं करूँगा. सो आई रिमेंबर टेलिंग देम गाइस मत करो यार, मतलब तुम लोग दुकान में जाओगे तो खरीदोगे, कोई नहीं बोलेगा अरे वो बड़ी बड़ी दुकान में किसको थोड़ा कम कर दो. बट इन लोगों के साथ तुम बोल रहे हो कम करो, ऐसे जितना मांग रहे दे दो. वो उनको पता है मैंने बात करी है, दे नॉट चार्जिंग यू एक्स्ट्रा, दे ऑल्सो वॉन्ट अस टू गो बैक इन एनी वे. सो चीप ऑफ यू बाय द सेम थिंग समवेयर एल्स, इट्स सो एक्सपेंसिव, सो व्हाई आर यू लाइक गोइंग देयर एंड देन वी स्टिल बीइंग लाइक अरे कम करो कम करो. सो वो थोड़ा सा हम सबको यू नो सोचना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सच अ बिग डिफरेंस. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग काफी प्रिविलेज लोग हैं, बट उन लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. सो वी हैव टू बी लाइक सेंसिटिव सेंसिटिव टू दैट. जी जिस तरह से अगर हम सिनेमा की बात करें तो जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, कॉस्ट बेस्ड फिल्म आ रही है, चाहे वो प्रोड्यूसर में अगर आनंद राय का नाम लें, दिनेश विजन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. और उसमें जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम के आर्टिस्ट हैं, जैसे आप दोनों भी स्टार्स हैं, आप लोगों ने जिस तरह का ये कैरेक्टर किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है और वो अचानक से ऑडियो कहां से लेगा, जहां हम हॉलीवुड की नकल उधर लगाना चाहिए ना ट्राइपॉड, और ओरिजिनल स्टोरी तो ऑडियो कहां से लेगा, की टेक गवई अपनी संस्कृति को भारे से आप किस नजरिए से देखते हैं. अगर आप हमारा इतिहास देखें फिल्मों का, तो एक वक्त था जब हम ओरिजिनल सिनेमा
बना लेते हैं, जैसे मदर इंडिया देखिए आप, आनंद जैसी फिल्में देखिए, या बहुत सारी फिल्में जो हमारी इंडियन कहानियां हैं, और उस वक्त पे बहुत अच्छी कहानियां बनती थी। आई थिंक एक दौर आ गया जहाँ एक बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया था हमारे सिनेमा के अंदर, बट अब आई थिंक इट्स क्वाइट कूल आई माइट से, बिकॉज 2016 17 18 में वी हैव गॉन बैक टू आवर हार्टलैंड। बहुत सारी कहानियां ऐसे आ गई जो हम लोग हार्टलैंड से जुड़े, मैंने खुद बद्रीनाथ की दुल्हनिया की है, या हंटी की, जो हार्टलैंड ज्यादा हार्टलैंड कैरेक्टर्स है, इनकी जो लॉन्च हुई थी अपने बनाने जोड़ी, इट वाज अ वेरी रूटेड कैरेक्टर, इट वाजंट अ एक्स्ट्रा मॉडर्न कैरेक्टर इन दैट सेंस। सो आई थिंक मॉडर्न वाजंट अ एक्स्ट्रा अर्बन कैरेक्टर। सो आई थिंक जो हार्टलैंड कैरेक्टर्स है वो हमेशा कनेक्ट हो गए, क्योंकि एंडिंग में तो सबका दिल हिंदुस्तानी ही है, हम लोग जो भी वस्त्र पहन ले, जो भी भाषा बोल ले, जितना भी कूल बिहेव कर ले, जो इंडियन सेंटिमेंट है वो जो कनेक्ट होता है, उससे बढ़कर कोई और चीज नहीं। अनुष्का आपसे सवाल है, ट्रेलर को तो बहुत पसंद किया गया, बहुत इमोशनल टचिंग तो है ही है, लेकिन अनदर थिंग इज लाइक जो मीम्स बने हैं स्पेशली अबाउट व्हाट दैट स्क्रीनशॉट, उसके बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो मीम्स बने उससे भी काफी पब्लिसिटी मिली ऑन सोशल मीडिया, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या टू यशराज को मुझे एक्स्ट्रा चेक काट के दो। हां बोलिए, तभी लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू काइंड ऑफ क्रिएट लाइक अ वीडियो गेम एंड स्टफ दैट देन मारियो वाला गेम। तो दो दिन के बाद तो मैं ही वरुण को भेजे जा रही थी, आई वाज स्पैमिंग हिम, आई वाज सेंडिंग हिम सो मेनी, पिक्चर वो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा रियल लग रहे हैं दैट यू कैन एक्चुअली मेक a meme on that. Usually that's when it happens, when something seems like so far removed from Anushka that you can make actually a joke on a character or an entity. So I take it as a huge compliment, and we were talking about how when such things happen in a humorous way, when such things happen, it goes on to show kitni deeply hamara trailer ki reach hui hai. ये सुझाव है मेरा, अगर इस पोर्टल में या इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है वो चीज, क्योंकि इसकी रीच बहुत सामान्य लोगों तक पहुंच रही है, बहुत ऐसे लोग जो शायद डिजिटल पोर्टल तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर वो अगर इसे बाकी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए। नहीं आप सर सही बोल रहे हैं, मतलब गुजराती में वेबसाइट बने या मराठी में वेबसाइट बने या जो भी दूसरे भाषा है हमारे देशों की हिंदी में, इज दैट अवेलेबल? इट इज, इट विल बी। आई थिंक ये जो सुझाव दिया, हम बहुत सारे आर्ट देखते हैं जिसमें उनकी आमदनी भी नहीं निकल पाती है, वो चाहते भी नहीं, वो कई आर्ट्स ऐसे हैं जिसमें महीनों वो केवल काम करते रहते हैं और एक पीस बिकता है, बहुत सारी चीजें हैं उन सब के बीच में, इन लोगों के बीच होना, या जैसे आपका भी एक प्लेटफॉर्म है, क्या आप इसे आगे ले जाएंगे पर्सनल लेवल पे भी? देखिए सर, हम लोग एज एक्टर्स अगर कभी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, मैं अपने लिए बात करूंगी, मेरी बहुत सी चीज़ें जिनको मैं मना कर देती हूँ, ये नहीं कि अगर कोई भी आइडिया मार्केटिंग मेरे पास लेके आती है तो मैं उसको बोलती हूँ हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पर्सनली ही कर रही हूँ, मैं अपना नाम इस चीज़ के ऊपर डाल रही हूँ। एंड ये चीज़ जब उन्होंने मुझे बोली थी, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, एंड आई टोल्ड देम इवन बिफोर एक्चुअली दिस दे केम टू मी, आई टोल्ड देम लेट अस ऑल्सो डू समथिंग नाउ फॉर द कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हेन दे सेड वी वर एग्जैक्टली थिंकिंग द सेम थिंग, सो वी वर ऑल ऑन द सेम पेज द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैड। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली हमको आ रही हैं,
एंड वी आर डूइंग इट एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मैंने बहुत बार पहले भी ये बात कही है कि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ किसी लोकल जगह पे जाती हूँ किसी मतलब किसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गई हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है क्योंकि तो मेरे कपड़ों में मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वहाँ से लोकली चीज़ें खरीदती हूँ. सो आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट नॉट बिकॉज सुई धागा मैं कर रही हूँ सालों से मैं करती आई हूँ. सो आई एम जस्ट अ वेरी कॉन्शियस पर्सन इन जनरल तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी होती है. जैसे ये जो मतलब वेबसाइट है ये अच्छी है लेकिन क्या है कि बहुत सारे हमारे जो आर्टिजन है ये गांव के हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों को इस वेबसाइट के साथ जोड़ने के लिए क्या कोई ऐसा टीम है they are working with अभी आपने beginning में हमने भी बोला और उन्होंने भी बोला कि they are working with अनगिनत artisans so they are working with them and they will like how they have brought all these artisans onto the board so we are doing this in collaboration with them. जितनी देखिए हमारे में intent है हम लोग ये offer कर सकते हैं हम intent हम platform हम face value offer कर सकते हैं हम सबका ये contribution हो सकता है because हम लोग like popular celebrities हैं they have the knowledge they understand they have the grassroots wo pahunche hue hain tabhi they are the best guys at it that's why we collaborated with them and they will bring these artisans on board so varsha jaise artisans ko wo leke aayenge yahan pe and ye hai kiske liye aapko ye samajhna bahut zaruri hai ye consumers ke liye hai khareedne ke liye to jo shehar mein jo log hai jo bahut daam dete hain jo bechne wale hain wo leke aayenge jo bechna cha rahe hain unko wo leke aayenge aur jo khareedne wale hain wo ye website pe aaye. अच्छा कोई मुश्किल आई क्या इन लोगों को समझाने में कि ये प्लेटफॉर्म ये उनके लिए वाकई फायदे वाला है? सर तो यार कितने सालों से कर रहे See, they have a lot of faith. The artisans have a lot of faith in them because they have been working tirelessly, endlessly for this for 20 years, and they have. This is the entire purpose. It's a very selfless thing. It's an entire purpose of their existence is to create transparency between the buyer and the seller, the creator and the buyer. So, वो already वो कर रहे हैं. So, we have teamed with the absolutely right people to start something like this because you know the intent is to ensure that this is a success. किस तरीके से उसे थ्रू आउट द फिल्म देखा जाएगा अगर आप लोग उसके बारे में शेयर करें पुरुष और महिला की जो इक्वालिटी होती है ममता और मौजी की. आई थिंक हमारे देश में अलग अलग डेमोग्राफ्स हैं अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर हैं जहाँ औरतों के रोल बदलते रहते हैं दे ट्रीटेड डिफरेंटली. या हम लोग हार्टलैंड इंडिया या एक गांव में जो एक महिला का रोल है वो वैसे दिखा रहे तो जो रियलिस्टिकली होता है हम लोग ने वही दिखाया है. हम लोग ने कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया बट उसमें एक बहुत ही ये प्रोग्रेशन भी दिखाया है कि कैसे एक महिला कैसे एक औरत ये पूरे परिवार का रूप रंग जिस तरीके से वो लोग जिंदगी जीते हैं सब बदल देती है. क्यों? उसके समझदारी की वजह से जिस चीज के वजह से किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यार ये औरत ये ममता कभी इतना कुछ सोच सकती है इतनी समझदारी कि यार ये पूरा जो ब्रेन चाइल्ड है पूरा ममता का होता है. जो सीईओ है कंपनी की मैं हमेशा बोलता हूँ वो ममता है. जो फैमिली की सीईओ होती है वो एक औरत ही होती है हमेशा. हम मर्द जितना भी क्रेडिट लेना चाहे और बोलना चाहे बोल सकते हैं बट इवेंचुअली घर तो एक औरत ही चलाती है. सो शी इज द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग एंड सॉरी. तो अनुष्का आप सीईओ हैं अभी ममता और मौजी का जो आपने मम्मी से जवाब दे देनी जल्दी अभी आप सीईओ हैं ममता के रूप में फिल्म की इन द फिल्म ममता के रूप में सीईओ यू नो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है इस पिक्चर की कि इसमें ये बात जो दिखाई गई है इक्वालिटी की जो बात दिखाई गई है ये बहुत ही न्यूएंस तरीके में दिखाई गई है एक बहुत ही नेचुरल वे में दिखाई गई है. उनकी लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उनको वैसा मतलब इट्स नॉट लाइक हमने एक क्या बोलते हैं आंदोलन की तरह इसको नहीं दिखाया है. यू नो इट इज द नीड ऑफ द आवर इन द फैमिली यू नो एंड द एक्सेप्टेंस जो फैमिली में होती है इस बात को लेके जो बहू एक घर में काम कर रही है वो सडनली अभी यू नो थोड़ा बिजनेस में घुस रही है
हमने उसको जिस तरह से दिखाया आपको एक्चुअली वो फिल्म में देखना चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा जब मैंने फिल्म में देखा। और हमको एक और बात समझनी चाहिए कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्रेसिव औरत दिखाते हैं, काम करने वाली औरत दिखाते हैं, हम हमेशा यूजली एक अर्बन लड़की को दिखाते हैं, यू नो, जो लाइक अर्बन होती है अपने पहनावे में, अपने आउटलुक में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हमको लगता है हाँ वही वो होता है। बट ममता भी वही है, ममता भी वही औरत है, बिकॉज वो कपड़े क्या पहन रही है, क्या काम कर रही है, कितनी पढ़ी लिखी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कर क्या रही है, उसका दिमाग कैसा है, उसकी सोच कैसी है। ममता की सोच बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो आप जब देखेंगे फिल्म में, और तभी आई गेस मेरे को भी ये कि कनेक्शन मिला था, मिला मेरे को, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ये कैरेक्टर प्ले करना। बट वो बाहर देखने में थोड़ा यू नो सबमिसिव लग सकती है, बट उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड जैसे वरुण ने कहा, शी इज़ द माइंड, लाइक उसका दिमाग बिजनेस का चलता है, उसको समझ में आता है कि ये काम नहीं करा चलो ये करके देखते हैं, अच्छा ये नहीं करा चलो वो करके देखते हैं। वैसे तो आप बोल देंगे कि नहीं ये तो मतलब बस लड़कियाँ जो ऑफिस जाती हैं उन्हीं का ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये सोच की बात होगी, उसकी सोच बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। मौजी की सोच बहुत ज्यादा, ट्रेलर में डायलॉग भी है कि वो मौजी को पता चलता है सेल्फ रिस्पेक्ट जो चीज होती है, आत्मसम्मान जो चीज होती है, वो ममता ही उसको बताती है यार ये चीज है जिंदगी में, कि मौजी तो काम के लिए फैमिली के लिए कुत्ता भी बनने के लिए तैयार है, खुशी खुशी अपने फैमिली के लिए। एक्सटेंसिव टैलेंट है, मतलब वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट वो खुद ही नहीं समझता कि उसका टैलेंट लाइक कितना है, यू नो, उसको बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत करियजियस है वो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसा अगर मौजी वैसा नहीं होता जैसा मौजी है, तो ममता कुड नॉट हैव बीन व्हाट शी इज इन द फिल्म। आई एम लाइक मौजी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना टैलेंट है। दैट इज द मीडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप पूछो, आप बहुत हंसमुख हैं, आप पूछिए। अगर हम ममता और मौजी की बात करें, तो जो ममता और जिन मौजियों को ये फिल्म देखनी चाहिए, जैसे हम वर्षा जी की बात करें, वो पहली बार ट्रेन में चढ़ी हैं, तो क्या जो मल्टीप्लेक्स के इतने महंगे टिकट्स हैं उनको खरीद कर उनके जाने की इनके बड़ोदरा में पहुंचे, वहां तक पहुंचे ये फिल्म, इसके लिए क्या कुछ स्पेशल शोध या कुछ आप लोग देखिए? बड़ोदरा में सिनेमा है, उधर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, गुजरात में तो स्पेशली सिनेमा को बहुत इंजॉय किया जाता है, और बहुत से देश के छोटे छोटे गांव उधर भी सिनेमा पहुंचती है, जैसे दंगल जैसी फिल्में, या तो वो फिर वडोदरा में देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे, हर जगह देखेंगे, अगर लोगों को ऐसा लगे कि यार ये फिल्म तो मुझे देखनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बात बोल रही। एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि जब मेरे जब मैंने फिल्म देखी थी, तो मेरे मेरे ड्राइवर हैं, उन्होंने भी फिल्म देखी, और उन्होंने लाइफ में आज तक मुझको मतलब इतने इमोशनल होकर कभी जवाब नहीं दिया पिक्चर का जितना उन्होंने इस बार दिया। मतलब वो इतने ज़्यादा मूव थे फिल्म को देख के, और इतने खुश थे वो पिक्चर को देख के, कि वो मुझे बोल रहे थे अभी मेरी मम्मी आई है तो मैं उनको ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये तो सारे लोगों को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए पिक्चर, ये ऐसी वाली फिल्म है ऐसी। तो उनका रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक यू नो एक सेटिस्फैक्शन मिला है, बिकॉज वो ही बोलते हैं मैडम ऐसे ही होता है, बहुत जब इंसान का मजबूरी होता है तो लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं उनका, ऐसे करके वो बात कर रहे थे, तो उनको पूरी अंदर तक ये बात यू नो फील हुई है। सो मुझे लग रहा है कि ये फिल्म की रीच बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नेचर एंड द स्टोरी है, जो फिल्म का जो कॉन्टेंट है, और जो उसकी ईजिली है एक बहुत मुद्दे की बात है, बट उसको जिस आसानी से बोला गया है, जिस एंटरटेनिंग वे में बोला गया है, वो बहुत ही बहुत सुपर। मैं मीडिया के द्वारा मैं भी एक सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जब मैं आता हूँ मीडिया के सामने और मैं सुझाव देता हूँ, तो वाइरफ मान लेती है मेरी सुझाव। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो हमें एक स्क्रीनिंग रखना चाहिए आर्टिस्ट के लिए और आर्टिस्ट के लिए। उधर से वापस थम्स अप आ गया, तो अभी करना ही पड़ेगा क्योंकि इधर बोल दिए हम लोगों ने। और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म की का जितना प्रचार हो वो हमारे देश भारत में ही हो, अपने किधर बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, बट जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बोला था कि जब हम चंदेरी गए थे, हमने वहाँ से खूब सारी साड़ियाँ सूट पीसेस वहीं से खरीदे थे, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो जब हम बोल रहे होते, तब पता नहीं क्या कर रहे हो, तो मुझे समझ ही नहीं आता फिर ये क्या किया आपने, वो क्या किया आपने, ये क्या किया आपने। हाँ, बट खुद के लिए नहीं, गिफ्ट करने के लिए मेरे बहनों को, मेरे दोस्तों को, तो उनके लिए मैंने खरीदी। मैं बस इतना, थैंक यू। और यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना
या किसी तरह की खबर है तो जीनियस फैक्ट्री पर वीडियो से पूरी देख सकते हैं और हमारे जीनियस फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।